अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटेट एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 27 अगस्त 2020 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, CBSE लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक अपडेट और आपको दे दें कि परीक्षा की नई तारीख घोषित। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया पर काफी इसके चर्चे हो रहे हैं। क्या है दोस्तों परीक्षा की नई तारीख, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे और उसके बाद बात करेंगे। फिलहाल अभी तक दोस्तों परीक्षा में देरी की वजह क्या है, उसको हम जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, सारे पेपर की मतलब ऑफिशियल डेट सीट आ चुकी है, लेकिन सीटेट में परीक्षा की देरी की वजह को हम जानेंगे। उसके बाद बात करेंगे सीटेट एग्जाम न्यूज। और एक और बड़ी अपडेट पहले आपके सामने रखते हैं। 6 सितंबर को होने वाली राजस्थान PTET परीक्षा फिर स्थगित हो गई है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से इस परीक्षा को पोस्टपोन किया गया है। क्या दोस्तों कारण थे, उसको जरा देखेंगे। और महाराष्ट्र से एक बड़ी अपडेट, महाराष्ट्र PCS प्री परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित हो गई है। TGT PGT शिक्षक भर्ती चयन बोर्ड के रवैये से अभ्यर्थी खपा है। तो सारी अपडेट्स को दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सीटेट 5 जुलाई 2020 लेटेस्ट अपडेट पर बात होगी। उसके बाद सीटेट दिसंबर 2020 आवेदन कब से होंगे, उसको भी हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत से ऐसे छात्र हैं जो सीटेट दिसंबर की परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कब से उसका आवेदन होगा, उसको देखेंगे। फिलहाल एक अपडेट आई है पहले सीटेट परीक्षाओं को लेकर। आपको पहले बताना चाहेंगे दोस्तों, जो परीक्षा की नई तारीख है ना, वो सिर्फ तुक्के वाली तारीख है। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग गेस कर रहे हैं कि परीक्षा सितंबर में होगी और दोस्तों सभी लोग अपना अपना अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों पेपर को लेकर ऑफिशियल दोस्तों क्या अपडेट है, इसको जरा हम देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपडेट आई है फिलहाल प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। अपडेट को देखते हैं। सीटेट 2020 की नई तिथि जल्द घोषित होगी। प्रयागराज से अपडेट है। JEE और नीट परीक्षा कराए जाने की तैयारी के बीच अब CBSE की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की राह आसान हुई है। CBSE की ओर से जल्द सीटेट 2020 की नई तिथि की घोषणा हो सकती है। CBSE ने इससे पहले सीटेट 2020 के लिए 5 जुलाई को परीक्षा कराने की घोषणा की थी। हालांकि संक्रमण के फैलाव को देखते हुए परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, ये ऑफिशियल अपडेट है आज की सबसे बड़ी अपडेट। तो जो छात्रों को लगता था, जिन छात्रों को मतलब कि उनका पेपर सितंबर में नहीं हो सकता, वो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद अब अपडेट आनी शुरू हो चुकी है परीक्षा को लेकर। तो फिलहाल दोस्तों आपका पेपर अब जल्द से जल्द होने वाला है, ज़्यादा समय आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर आपके मन में दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई डाउट है कि नहीं परीक्षा दोस्तों दिसंबर या अगले साल तक होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल आपके सामने एक और अपडेट को रखते हैं। देखिए, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दें इस वीडियो में कि परीक्षा में देरी की वजह क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार कोरोना के केस आजकल बढ़ रहे हैं, उसके वजह से पेपर में डिले हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। कोरोना वायरस इसमें कोई वजह नहीं है। परीक्षा में देरी की सबसे बड़ी वजह है कि इस समय दोस्तों हर राज्यों में अपने अपने मतलब जितने बकाया पेपर थे सारे पेपर कराए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने यूपी में देखा होगा कि BEO की परीक्षा हुई है, BED का एंट्रेंस एग्जाम हो गया है। तो ये सब दोस्तों बड़े बड़े पेपर हैं जो हर राज्यों में अब धीरे धीरे कराए जा रहे हैं, जिसके कारण दोस्तों सेंटर अलॉटमेंट में दिक्कत है। तो आपको पता ना, सीटेट का पेपर एक ही दिन एक ही समय में पूरे देश में होता है। तो सबसे बड़ी बात है, जो सीटेट का पेपर है मैक्सिमम वो संडे के दिन होता है। संडे के दिन दोस्तों सेंटर मिल पाना और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यूपी में सैटरडे और संडे लॉकडाउन रहता है। ठीक, तो संडे के दोस्तों जितने भी सेंटर है पहले से ही सारे बुकिंग हो चुकी है, तो सेंटर मिलने में बस यहाँ दिक्कत है। नहीं तो परीक्षा को लेकर कभी भी दोस्तों नई तारीख जारी कर दी जाएगी। कुल मिला के दोस्तों कोरोना वायरस इसमें कोई भी मतलब इसका मतलब बीच में रुक नहीं रहा। कोरोना वायरस की वजह से पेपर आपका नहीं रुका हुआ है। फिलहाल एक और अपडेट आपके सामने रखते हैं कि 24 घंटे में दोस्तों हमारे देश में रिकॉर्ड तोड़ 75,000 से ज़्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए। टोटल मामले 33 लाख के पार हैं। 1,000 से अधिक लोगों की जान गई है। 60,000 से अधिक लोगों की अब तक कोरोना वायरस के कारण जान जा चुकी है। तो दोस्तों ये नंबर बहुत ही बड़ा है कि एक एक दिन में 75,000 केस आ रहे हैं। फिर से हम आपको क्लियर करेंगे कि जो सीटेट का पेपर रुका पड़ा है उसमें कोरोना वायरस किसी भी प्रकार का मतलब बीच में रोड़ा नहीं डाल रहा है। तो कोरोना से पेपर आपका नहीं रुका है, मेन दिक्कत दोस्तों यहाँ सेंटर मिलने की है। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे हर जगह पेपर हो रहे हैं, इसीलिए दोस्तों आप लोग को परीक्षा के लिए बिल्कुल अब तैयार रहना है कि दोस्तों पेपर कभी भी हो, किसी भी हालात में हो, आपको पेपर के लिए तैयार रहना है। तो पेपर अब आपका होगा, परीक्षा दोस्तों इस बार स्थगित नहीं होगी। जो भी तारीख आएगी उस डेट पर आपका पेपर करा लिया जाएगा। तो आपने दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ देखा होगा कि नीट और JEE के पेपर को लेकर छात्र मतलब बिल्कुल सर के बल खड़े हो गए कि पेपर कैंसिल हो जाए, स्थगित हो जाए, फिर से पोस्टपोन हो जाए। लेकिन सरकार ने दोस्तों एक भी बात उनकी नहीं सुनी, मामला देखे सुप्रीम कोर्ट तक गया।
और सुप्रीम कोर्ट ने भी दोस्तों जो था ना कि सरकार पर सब कुछ छोड़ दिया अंतिम फैसला, कि सरकार अगर चाहे तो परीक्षा करा सकती है, ना चाहे तो पेपर रोका जा सकता है। तो कुल मिला के दोस्तों आप अब इस समय आपको एक बात समझना यहाँ पड़ेगा कि ये पेपर वेपर आपका होने वाला है, तो सबसे बड़ी चीज़ है ना सीटेट का पेपर होना भी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर आपको नौकरी भी तो पाना है ना, कितना समय इंतजार करेंगे आप। तो फिलहाल इस अपडेट को पहले हम लोग देख लेते हैं कि 6 सितंबर को परीक्षा जो होने वाली थी उसको स्थगित किया गया है। अपडेट है राजस्थान पीटीईटी 2020 6 सितंबर को नहीं होगी। प्रवेश परीक्षा का दोस्तों नया कार्यक्रम जल्द ही अधिकृत वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 6 सितंबर को ठीक है यूपीएससी एनडीए की परीक्षा होने के चलते इसे स्थगित किया गया है। इससे पहले परीक्षा दोस्तों 16 अगस्त को होने जा रही थी, लेकिन कोविड-19 संक्रमण को बढ़ते मामलों के चलते से टाल दिया गया था। तो आपके सामने दोस्त इस बात को रखना एक जरूरी इसलिए था ना कि अब आप सोच रहे होंगे कि जो ये पेपर कैंसिल हुआ है दोस्त ये कोरोना वायरस के कारण हुआ है, ऐसा नहीं है। तो ये दोस्तों जो पेपर कैंसिल हुआ है वो यूपीएससी एनडीए की परीक्षा के चलते कैंसिल किया गया है। तो इस बात को आप समझिए कि आज की डेट में दोस्तों जो पेपर कैंसिल हो रहा है वो कोरोना वायरस के कारण नहीं हो रहा है, तो अब आपको तैयार रहना है। हाँ लेकिन दोस्तों महाराष्ट्र में एक अपडेट आई है, यहाँ पर दोस्तों आपके पीसीएस प्री परीक्षा के आदेश तक स्थगित हुई है। क्या अपडेट है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं कोरोना वायरस महामारी के कारण, यह फैसला लिया गया है। सूचना के अनुसार परीक्षा का नया शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। आपको बता दें इससे पहले महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन प्री परीक्षा 2020 में 2 बार स्थगित की जा चुकी है। पहले इस परीक्षा को 5 अप्रैल के लिए शेड्यूल किया गया था, इसके बाद 13 सितंबर को होने वाली परीक्षा को फिर से स्थगित किया गया है। कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि अगले आदेश तक यह परीक्षा स्थगित रहेगी। तो ये दोस्तों बड़ी अपडेट है। देखिए महाराष्ट्र में मान सकते हैं वहाँ पर कोरोना वायरस के कारण देखिए वहाँ की सरकार बहुत ही ज़्यादा मतलब सख्त हो चुकी है, स्ट्रिक्ट है इस समय कि वहाँ पर कोरोना वायरस ना फैले, उसको लेकर दोस्तों आपको बता दें महाराष्ट्र सरकार यूजीसी गाइडलाइंस के खिलाफ भी दोस्तों मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंची थी कि जिसमें ये था ना फाइनल ईयर का पेपर कैंसिल हो गया नहीं ठीक है प्रमोट करने को लेकर दोस्तों बात थी। तो महाराष्ट्र सरकार दिल्ली सरकार फिलहाल प्रयास किया, लेकिन ये बड़ी अपडेट है महाराष्ट्र से। एक और अपडेट आपके सामने रख दें, टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती चयन बोर्ड के रवैये से अभ्यर्थी खफा हो चुके हैं। अपडेट है प्रयागराज उत्तर प्रदेश से, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सुस्त कार्य प्रणाली अभ्यर्थियों के भविष्य पर विपरीत प्रभाव डाल रही है। सालों से लंबित परीक्षाओं को कराने की मतलब दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। कोर्ट का आदेश होने के बावजूद टीजीटी 2016 जीव विज्ञान की परीक्षा नहीं कराई जा रही है, इसके चलते अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब देने लगा है। वे व्यापक आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं, इसके मद्देनजर सोशल मीडिया में मुहिम चलाई जा रही है। अंदाजा लगाइए दोस्तों टीजीटी 2016 ठीक है, आप दोस्तों 2020 चल रहा है, तो किस हिसाब से शिक्षक भर्तियां दोस्तों हो रही है ये आपके सामने हमने रखी बात, क्योंकि अभी यूपी में भी बड़ी वैकेंसियां देखने को आपको मिल सकती हैं। कुल मामला दोस्तों आपको बता दें ये जो चुनाव का समय आता है ना, सिर्फ नौकरियां दोस्तों तभी आपको देखने को मिल जाती है, उसके बाद आपका जब नियुक्ति का समय आता है तो फिर अगले चुनाव का आपको इंतजार करना पड़ता है। सोचिए 2016 से आज तक बच्चे इंतजार कर रहे हैं, 4 साल बीत चुके हैं। तो कुल मिला के दोस्तों अब आप सोच रहे हो कि परीक्षा और ज़्यादा लेट हो, उससे आपका कोई फायदा नहीं है, बस आपको ये सोचना चाहिए कि आपका पेपर कितनी जल्दी हो जाए और आपको कितनी जल्दी नियुक्ति पत्र मिले। देखिए जितने भी लोगों की नौकरी है, जितने भी दोस्तों सरकारी टीचर हैं आज की डेट में, आपको पता है ना वो नौकरी पर जा रहे हैं, उनको कोरोना वायरस नहीं हो रहा है ठीक। अगर आप लोग सोचते हैं आप पेपर देने से आप कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे तो ये गलत बात है। अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग जितने भी गाइडलाइंस हैं ठीक है गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो फिलहाल दोस्तों आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करिए। बाकी देखिए कोरोना की बात रही तो अब क्या कर सकते हैं, कोरोना में दोस्तों आपको पेपर तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आपका समय बर्बाद होगा और एक बार समय निकल गया तो वो लौट कर नहीं आएगा ठीक है। मानते हैं दोस्तों हमारे देश में एक दिन में जो मामले आ रहे हो 75,000 के अधिक हैं, लेकिन उसके बाद दोस्तों आपको कुछ चीज़ें और जाननी पड़ेंगी कि हमारे देश में दोस्तों बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस समय बंद होनी चाहिए। शराब की दुकानें आपको पता है ना कि वहाँ पर क्या लगता है आपको, सोशल डिस्टेंसिंग होती होगी सही से ठीक है, लोग पीने के बाद क्या सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे। ये सब दोस्तों बहुत सी चीज़ें हैं जो बंद हो सकती थी, गुटखा की दुकान, पान की दुकान, शराब की दुकान, उससे दोस्तों ज़्यादा किसी को फर्क ना पड़ता। लेकिन वही बात है ना कि आप पेपर कराना, देखिए एक तो स्टूडेंट्स इतने समझदार तो है ही कि उनको कोरोना से बच सकते हैं, स्टूडेंट्स के हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। बाकी अब शराबी है दोस्तों, शराबी जितने हैं वो मार्केट में घूम रहे हैं दौड़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, सरकार क्या फैसला लेती है। फिलहाल अब ये मान के चलिए आपका पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है, परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। और अब दोस्तों अपडेट्स भी देखिए न्यूज पेपर्स में भी आने लगी आपकी बात है, नहीं तो पहले क्या होता था पेपर में कोई खबरें नहीं आती थी परीक्षा को लेकर, क्योंकि दोस्तों कुछ क्लियर नहीं था। लेकिन अब जब नीट का पेपर जेई का पेपर हो रहा है तो सबको अभी एक बात समझ में आ चुकी है कि आपका पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है,
बस दोस्तों सेंटर का मिलने का मतलब देरी है। जिस दिन दोस्तों सेंटर पूरे देश में आपको अलॉट हो जाएगा उसी दिन दोस्तों परीक्षा की नई तारीख जारी कर दी जाएगी। तो ये सब पेपर कराना इतना आसान नहीं होता क्योंकि आपको पता है दोस्तों जो सीटेट का शेड्यूल आता है लगभग 3-4 महीने पहले आ जाता है। तो यहाँ से भी दोस्तों 1-2 महीने का समय तो लगाएगा ही। 5 जुलाई दोस्तों भले परीक्षा आपकी कैंसिल हुई हो, पोस्टपोन किया गया हो, तो उसके बाद से सेंटर को पाने की कवायद शुरू की गई होगी कि किस दिन पूरे देश में एक ही टाइम पर सेंटर इनको खाली मिलेगा। क्योंकि आपको बता दें दोस्तों फिर से वही बात को कह रहे हैं कि इस समय देश के दोस्तों हर एक राज्य में लगभग पेपर हो ही रहा है। जी हाँ दोस्तों, कहीं तो फाइनल ईयर का पेपर हो रहा है, कुछ ना कुछ पेपर कराया जा रहा है ताकि दोस्तों वहाँ कॉलेज में एडमिशन हो सके। ठीक है, कॉलेज को भी तो पैसा चाहिए ना। बीटेक का पेपर हो गया, ये सब बड़े बड़े जो पेपर होते हैं दोस्तों, अगर वो सब पेपर समय से नहीं होगा तो कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, कैसे कॉलेज में फीस वीस आते हैं, तो उस समय जरूरी है। इसलिए दोस्तों परीक्षा की तारीख में यहाँ थोड़ी देर लगी है, लेकिन अब एक बात आपको समझ लेनी है कि आपका पेपर बहुत ही जल्द होने वाला है। मान के चलिए दोस्तों हर हाल में ये पेपर सितंबर में कराया जा सकता है अगर सेंटर नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, फिर से वीडियो के अंत में एक बात रिपीट करेंगे, सेंटर नहीं मिलेगा तो आपका पेपर नहीं हो पाएगा, अगर सेंटर अलॉट हो गया तो सितंबर में आपका पेपर हो जाएगा। बस सेंटर मिलने की देरी है, कोरोना वायरस दोस्तों परीक्षा में देरी की वजह नहीं है। अगर आपके मन में ऐसा कोई डाउट रहा हो तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपका क्लियर हो। तो दोस्तों परीक्षा की नई डेट शीट को डाउनलोड करने के लिए हमने कमेंट बॉक्स में आपके सामने एक लिंक दे दिया है। जैसे ही दोस्तों परीक्षा की नई तारीख जारी होगी तुरंत आप वहां से इसको डाउनलोड कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों हो सकता है आप इस वीडियो को 27 अगस्त के अलावा 28 तारीख 29 तारीख या जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक नई परीक्षा की तारीख जारी कर दी गई हो और उसका डेट शीट आप दोस्तों सोचे कहाँ से डाउनलोड करें। हमने कमेंट बॉक्स में आपके लिए नीचे लिंक दिया, उस पर एक बार दोस्तों देख लीजिएगा, ओपन करके रिफ्रेश मार लीजिएगा। जैसे ही दोस्तों परीक्षा का नया शेड्यूल आएगा सबसे पहले आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल उम्मीद करते हैं वीडियो आपको कुछ ना कुछ समझ में आई होगी, कुछ फायदे की रही होगी, क्योंकि आपके मन में दोस्तों ये डाउट अभी भी चल रहा होगा कि नहीं यार परीक्षा सिर्फ कोरोना कारण से मतलब रुका हुआ है, परीक्षा दोस्तों कोरोना के बाद ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि अब कोरोना वायरस खत्म होने वाला है नहीं। तो फिलहाल दोस्तों जैसे ही सेंटर का मतलब इंतजाम हो जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगा, वैसे ही आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। तो तैयार रहिए पेपर के लिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हाँ दोस्तों, एक पेपर कैंसिल हुआ तो इससे आपके मन में डाउट जा सकता था, हमने सोचा आपका डाउट क्लियर करें कि जो यहाँ पर दोस्तों राजस्थान PTET की परीक्षा कैंसिल हुई है उसका कारण कोरोना वायरस नहीं था। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।